हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल क्रिएटिव स्टूडियो एफएक्स में। एंड आज हम देखने जा रहे हैं आफ्टर इफेक्ट्स का लेक्चर नंबर 32। सो अगर आपने पहले के 1 से 31 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं राइट साइड में लिंक दे दूंगा, या फिर आप डाउन इन द डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट का लिंक रहेगा, उसके अंदर से आप जाके बाकी के लेक्चर्स देख सकते हैं। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि हम कैसे भी कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को दूसरे चीज़ से लिंक करके कंट्रोलर बना के हम कैसे उसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं जेनरेट से। तो मैंने एक कूल सा आइडिया मेरे दिमाग में आया कि जेनरेट से हम एक काफ़ी स्टार्टिंग के कुछ एक दो टूल यूज़ करके काफ़ी अच्छा सा पोस्टर टाइप डिज़ाइन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज हम एक पोस्टर टाइप डिज़ाइन बनाएंगे। पहले एक बेसिक कॉम बना लें यू। मैंने एक सैम्पल इमेज टेक्स्ट ला कार का मॉडल डाउनलोड करके रखा है, आप भी डाउनलोड कर लीजिए, गूगल पे काफ़ी सिंपली इजीली मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू सॉलिड बनाएंगे जो रहेगा हमारा बैकग्राउंड। नॉर्मल कोई सभी कलर का बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज हम इसके ऊपर इफेक्ट लगाने वाला है। तो मैंने ये जो इमेज डाउनलोड की है ये मैं इसके अंदर प्लेस कर लेता हूँ कुछ यहाँ पर। ये ठीक है। तो हम अपने जनरेट के अंदर से पहला टूल यूज़ करते हैं जो है फोर कलर ग्रेडियंट। तो काफ़ी सिंपल है, अच्छा टूल है ये। टूल मैं ज़्यादातर कब यूज़ करता हूँ, जब मुझे एक बैकड्रॉप बना रहता है, बैकड्रॉप बनाना रहता है। जैसे बैकड्रॉप मतलब कोई भी मॉडल खड़ा है तो उसके पीछे एक बैकड्रॉप होता है, वैसा टाइप का कोई एक बैकड्रॉप बनाने के लिए मैं ये फोर कलर ग्रेडियंट यूज़ करता हूँ बेसिकली। तब जैसे डालेंगे तो आपके पास यहाँ पर चारों कलर के कंट्रोल और उनके पोजीशन मिल जाएंगे। वो पोजीशन का आपको यहाँ पर एक हैंडल भी मिल जाएगा जिससे आप उसको पोजीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस है, उसको कितना ब्लेंड होना चाहिए, अगर ज़रा सा आपको जिटर चाहिए तो जिटर भी हो सकता है, ब्लेंडिंग मोड एंड ओपेसिटी का आपके यहाँ पर सारे कंट्रोल मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले में से एक थोड़ा सा सट लेता, डार्क कलर नहीं रखूँगा, थोड़ा लाइट कलर रखूँगा यहाँ पर, इसको ये दे देंगे। एंड सेम कलर मैं ये पिक करके इसको डार्क कर लूँगा, ज़्यादा डिफ्यूज डार्क ना करें, यहाँ पर से डार्क लाइन, उसकी ल्यूमिनोसिटी भी थोड़ी बढ़ाएं। तो थोड़ा सा मुझे सकता है थोड़ा डल हो गया ये कलर, तो यहाँ पर आऊँगा तो फिर ये हाँ प्रॉपर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं हम। देन मैं जो ये कलर है इसको भी सेम मैं ये कलर दूंगा, बिकॉज ये यही साइड रहने वाला है। थोड़ा सा हम ऊपर करेंगे एंड लास्ट कलर मैं इसको इस साइड दूंगा, उसको हम थोड़ा सा ऐसा करेंगे। बिकॉज मैंने ये कलर ऐसे क्यों चूज़ किया, क्योंकि जो हमारा इमेज है टेस्ला का मॉडल है उसमें ऐसा लग रहा है कि लाइट थोड़ा हमको लेफ्ट टॉप साइड ऊपर से आ रही है, इसलिए मैंने ये जो साइड है उसको थोड़ा लाइट रखा और इसको हम थोड़ा सा डार्क करेंगे। बिकॉज अब ऐसा लग रहा है कि एक कलर एक जगह से हमारे पास पर्टिकुलर लाइट आ रही है। तो बैकड्रॉप के लिए तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। थोड़ा सा हम इसको कलर ग्रेडिएंट पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा आगे पीछे के एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमको चाहिए एक एम्बियंट टाइप शेडो जो उसके इसके अंदर ऑलरेडी है, बट अगर ओरिजिनल में वहाँ कोई कार होती तो उसके नीचे थोड़ा और शेडो आता। तो हम क्या करेंगे बेसिकली एक इसका एक डुप्लीकेट बना लेते हैं एंड हम इसका फोर कलर ग्रेडियंट निकाल देंगे एंड कंट्रोल शिफ्ट वाई दबाएंगे तो हमारे पास उसके सॉलिड की प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो यहाँ से मैं एक डार्क कलर चूज़ करूँगा टेस्ला का ही, ये परफेक्ट है, ओके कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बॉक्स में जाके हम एलिप्स टूल लेंगे एंड जस्ट डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो वो उसके हिसाब का एक मास्क बना देगा। इस पर क्लिक करें तो आपको मास्क दिखने लगेगा। उसके बाद आप यहाँ पर डबल क्लिक करें तो फिर एक मास्क को ऑपरेट करने के लिए आपको एक आउटलाइन मिल जाएगा। कंट्रोल दबाएं और ऑल्ट दबाएं तो उससे आपको ये एक ही क्लिक में यहाँ तक आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको ईजीली। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा चपटा रखेंगे हम, थोड़ा सा कार के हिसाब से टिल्ट करेंगे एंड थोड़ा बड़ा रखेंगे इसको, आई गेस यहाँ तक सही है। बिकॉज हमको इसको एक बैकड्रॉप दिखाना है नीचे इसके, ऐसा कुछ देख रहे हैं आप, बट ये अभी तो मुझे पता ही अच्छा नहीं लग रहा। बट हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब मास्क में जाएंगे, मास्क के अंदर एक फेदर का ऑप्शन, हम उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेंगे अराउंड ये 10। तो अब देख रहे हैं काफ़ी एक काफ़ी सटल सा अच्छा सा हमको एक वो मिला है कि
लग रहा है कि कोई वहाँ पे हो सकता है, कोई कार खड़ी हो। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर लें, हाइट थोड़ी सी कम करूँगा मैं। तो आप ये इसको कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं, और ध्यान रखें कि आप मास्क के ऊपर डबल क्लिक करके वो ये ऑप्शन ला रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट इसको स्केल करेंगे, जो ये है एस दबा के इसको स्केल करके एडजस्ट करेंगे, तो क्या होगा जब आप इसको ब्लर करेंगे फेदर, तो एक आउटलाइन जैसी दिखेगी आपको, मतलब जैसे जिसके ऊपर आपने मास्क बनाया है वो ख़त्म हो गया। तो आप इसको मास्क के ऊपर डबल क्लिक करके यूज़ करें सिंपली। तो एक हमारे पास एक अच्छा सा बैकड्रॉप तो रेडी हो गया है। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड को एडजस्ट कर लेता हूँ, जो मुझे ये वाला पॉइंट है थोड़ा अलग लग रहा है, ताकि एक स्मूथ सा फिनिशिंग आए। आप कुछ रहे तो ब्लेंड में भी आप जाके एडजस्ट कर सकते हैं, ब्लेंड 100% रखें, प्रॉपर रहता है वो एकदम। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके के ऊपर एक टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट लिख लेते हैं, सैम्पल टेक्स्ट लिख देते हैं, टेस्ला जो कार का नाम है। इसको यहाँ से स्केल ना करें आप, यहाँ से जब उसका फॉन्ट बढ़ा सकते हैं इजीली, कंट्रोल होम दबा दें एंड देन उसको आप एग्जिस कर लें। फाइनल होने के बाद आप कंट्रोल ऑल्ट होम दबा दें ताकि उसका एंकर पॉइंट एकदम सेंटर में आ जाए। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसको एकदम एग्जैक्टली सेंटर में लगा पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा इसके अंदर एक टेक्स्ट लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सेम टेक्स्ट को मैं एक सॉरी डुप्लीकेट करूँगा एंड उसका एकदम एक बड़ा साइज़ ले लेंगे हम, और बड़ा ले लेंगे एंड इसको हम यहाँ पे रखेंगे, उसको सबसे नीचे रखेंगे एंड इसकी हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर ओवरले, मल्टीप्लाई मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड इसकी जो ओपेसिटी है इसको अराउंड 10, 10 इज़ गुड, 10 और 15 ऐसा रखें आप, ताकि एकदम वो स्लाइटली दिखने में आए। तो यहाँ तक तो ये अच्छा लग रहा है। चलिए अब इसके अंदर हम अपना एक इफेक्ट्स के अंदर जो हमारे एडवांस लाइटिंग है, इसके अंदर ये भी एक चीज़ ऐड करके देखते हैं। तो एडवांस लाइटिंग यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिकली एक सॉलिड बनाना पड़ेगा, कोई सा भी कलर को कोई मतलब नहीं, मैं वाइट ही ले लेता हूँ, बेसिक वाइट। देन हम इसके ऊपर लाइटिंग अप्लाई करेंगे तो आपके पास एक ऐसी लाइटिंग आ जाएगी। इसका ये पॉइंट स्टार्ट पॉइंट एंड दिस पॉइंट उसको कहाँ जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके तो मैंने एक बार ये बनानी है सिंपली। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी कुछ सेटिंग्स देखते हैं। इसके अंदर काफ़ी अच्छी टाइप की सेटिंग है, डायरेक्शनल चाहिए, स्ट्राइक चाहिए, ब्रेकिंग चाहिए, बाउंसी चाहिए, ओमनी, काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस हैं। वर्टिकल ओमनी रहेगी तो फिर ओमनी क्यों नहीं दिख रही थी, बिकॉज ओमनी सारे डायरेक्शन में एक साथ जाती है, बट हम इसको अभी डायरेक्शन ही रखेंगे बिकॉज हमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शनल ही लाइट चाहिए इसके अंदर। ये जो दो ऑप्शन है, ये जो मैंने वहाँ से पॉइंट से मूव करके दिखाया, सेम आप चीज़ यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको ऊपर नीचे, इसका ओरिजिन एंड डायरेक्शन, सिंपली दो चीज़ें। ये वो अगर आपको समझिए जो आप पर्टिकुलर फ्रेम पे उसको वो पैटर्न आपको सही नहीं लग रहा कि यहाँ से नहीं, इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज होना चाहिए, तो आप इसको बढ़ा के उसका चेंज करके देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास है कोर सेटिंग, ग्लो सेटिंग। तो ये सब काफ़ी अच्छी अच्छी सेटिंग्स हैं। ये सेटिंग अगर अल्फ़ा ऑप्टिकल बढ़ाएंगे तो फिर वो क्या करेगा, जो इमेज में आपकी कोई चीज़ है, जैसे बिकॉज अभी ये टेस्ला का मॉडल है, इस वजह से उसने लाइटिंग नीचे ले ली क्योंकि वो एक PNG है। अगर आपके पास खाली कुछ टेक्स्ट वगैरह है तो फिर अगर आप इसको इंक्रीज़ करेंगे तो वो क्या करेगा, वो टेक्स्ट के साथ उसको कोलैबोरेट करने की कोशिश करेगा। टर्बुलेंस आप उसका कैसा टर्बुलेंस रखना चाहते हैं, मुझे मेरे हिसाब से थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, मुझे आई गेस जो अल्फा पे था, हाँ ये सही है। फोकिंग आप यहाँ से इसका एडजस्ट कर सकते हैं कितना रहेगा, इसको नॉर्मल रखें, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा वो। नेक्स्ट हमारे पास डीके, डीके क्या काम करता है, डीके ये जो आप छोटे छोटे स्ट्रिंग्स देख रहे हैं जो जितना दूर दूर तक जा रहे हैं उसको आपको कंट्रोल करने में काम में आता है। फुली रखें, ज़ीरो रखें, आई मीन उप्स 0.30, और यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। दिस लुक्स गुड,
यहाँ से भी मैं इसको थोड़ा सा एग्जिस्ट कर लेता हूँ। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, इसकी ग्लो में जाते हैं, ग्लो का हम थोड़ा रेडियस बढ़ाते हैं। ओके एंड इसको ओपेसिटी थोड़ी सी कम करते हैं, ब्लू की जगह थोड़ा सा लाइट कलर लेते हैं, ट्राई करें मैक्सिमम, बिकॉज़ ये कलर मैं इसलिए ले रहा हूँ हल्का सा वाइट क्योंकि ये इसके शाइन को मैच करेगा। ज़्यादातर ट्राई करें कलर्स आप ऐसे यूज़ करें जो आपके सीन के साथ मैच हो, तो ही वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके तो मैंने एक बेसिक लाइटिंग सी बना ली इसके अंदर। नेक्स्ट को सेटिंग में जाके आप उसकी कलर डिसाइड कर सकते हैं, जो कि मैं कलर लाइट रखना चाहूँगा, ऐसा हो ब्लू सा, बिकॉज ये इस सीन को मैच करेगा। एंड कोर का हम थोड़ा रेडियस बढ़ा देंगे जिससे कोर हल्का सा मोटा हो जाएगा, परफेक्ट। यहाँ से तो सही है, बाकी एक्सपोर्ट सेटिंग आप देख लें उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज़ ये काफ़ी हल्के से वैल्यू चेंज करने पे भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, जिसे वर्क्स के अंजाम ने यहाँ पे देखा, तो यहाँ से आप वो सब चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। तो सिंपली उसको उतना ही रखें तो ईजी है अगर आप बिगिनर हैं तो। अब मैं क्या करूँगा, ये वाले वाइट लेयर को हम टेस्ला 2 के भी नीचे रखेंगे, तो एक अच्छा सा लाइटनिंग पोस्टर हमने टेस्ला का बना लिया है। सिंपली क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा इसके अंदर एक एनिमेशन करेंगे लाइट्स का, या फिर खाली लाइटिंग पे क्लिक करिए, उसके जो डायरेक्शन है उसके ऊपर स्टॉप वॉच चालू कर दीजिए, सॉरी इसका पॉइंट हम स्टार्टिंग में ले लेंगे, एंड अराउंड 4 सेकेंड्स पे उसको हम यहाँ तक ले आएंगे, एंड जो फर्स्ट की फ्रेम है उसको हम थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। अब सिर्फ आपको एन दबा दें यहाँ पर, राइट क्लिक करें, ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया, बस देखें काफ़ी एक अच्छा सा एनिमेटेड पोस्टर आपको मिल जाएगा। सिंपली थोड़ा ये भी बफर हो रहा है, प्ले करें। तो ऐसे ही आप टेस्ला में एक टेस्ला का कार का एक आराम से, या फिर अपना कस्टमाइज जो भी चीज़ चाहिए आपको उसका आप पोस्टर बना सकते हैं सिंपली। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक कि आप हमारे चैनल पर जाके चेकआउट कर लीजिए, काफ़ी अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं सिनेमा 4D, फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ के, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय।